नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। रोज आपसे बातें करता हूं, हो सकता है आप लोग बोर होते होंगे, लगता हो कि क्या बातें कर रहा हूं, लेकिन ये बातें बहुत जरूरी है। जो आपके शब्द होते हैं, जो आपकी जानकारी होती है, वो बहुत जरूरी है। इस देश में शब्दों के जाल बुनकर लोगों ने क्या से क्या कर दिया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब एक नया मामला आया है, सुब्रमण्यम स्वामी ने आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान की संपत्ति की जांच की मांग की है। बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूं कि ये जांच हो। लेकिन मैं बात करूंगा विकास दुबे की, जिसको लेकर पूरी चर्चा है, उसके एनकाउंटर को लेकर चर्चा। अब नई खबर आ रही है कि वो रोज कम से कम 50 लाख रुपए की उसकी वसूली होती थी महीने की। 50 लाख रुपए रियल एस्टेट में पैसे लगे थे। अब खबर आ रही है कि 50 करोड़ की उसने एक कोठी खरीदी थी, एक दर्जन से ज्यादा उसके पास फ्लैट थे और 14 देशों में वो पिछले एक साल में टूर कर चुका था, जहां 3-4 देश में उसके बड़े पेंटागन हाउस का मतलब होता है एक बड़ा घर, जिसमें पेंटागन, समझ रहे हैं, पेंटागन अमेरिका में जो रक्षा मंत्रालय उसको पेंटागन कहते हैं। पेंटागन का मतलब होता है जहां स्विमिंग पूल हो, मतलब वो तमाम चीजें जो आपके कल्पना से अलग हो। रामराज, समझ रहे हैं, वो महाभारत देखा है आपने, महाभारत में ये घर नहीं था जिसमें जब ये जो मैंने रामायण देखी है, महाभारत देखी, उसके हिसाब से कह रहा हूं, जब दुर्योधन आता है तो वो उसको लगता है कि यहां सूखा है और वहां स्विमिंग पूल होता है, वो उसमें गिर जाता है तो द्रौपदी हंसती है और उसी का बदला लेता है। तो इस तरह के होते हैं पेंटागन हाउस, जो राजा महाराजाओं के ड्रीम हाउस होते थे ना, वो पेंटागन हाउस होते थे। तो आप कल्पना कीजिए कि एक विकास दुबे 500 करोड़ का आदमी, अब खबरें आ रही है कि उसने, वो एक बड़े अधिकारी का फार्म हाउस बनवा रहा था, खबरें भी आ रही है कि उसने कई सारे बिजनेसमैन के उसके पैसे लगे हुए हैं, उसका बेटा एक अमेरिका में पढ़ता है, लखनऊ में करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब चीजें एक विकास यादव की बात नहीं है। आपको इस देश के हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर नुक्कड़ पे एक विकास दुबे मिलेगा। तो ये विकास यादव मैं इसलिए बोल गया क्योंकि आज तक ने बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत विकास दुबे को विकास यादव चलाया। जब अखिलेश यादव का अंजना ओम कश्यप इंटरव्यू ले रही थी, उस समय उसका नाम आ रहा था विकास यादव। इसको लेकर लगातार पत्रकारों ने सवाल उठाए हैं और इसलिए मैं तो कोशिश तो ये भी की गई है कि इसको विकास दुबे को विकास यादव बनाया जाए। सरने में बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो मैं फिर वही मुद्दे पर आ रहा हूं, क्या आपको क्या लगता है, इस देश में जो पैदल चल रहे हैं, जो कोरोना में भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, पता है गरीब क्यों है? आज जनसंख्या दिवस है, बहुत सारे मंत्री को देख रहा हूं कि जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए। जनसंख्या तो कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन 5% 10% लोगों के पास जो संपत्ति अकूत है और जिस तरह की गड़बड़ियां हैं, सोचिए अगर इस देश में एक काम मोदी जी कर दे, मैं उनका जीवन भर भक्त बन जाऊंगा, हर वोट मेरा उसी को होगा, बस वो संपत्ति की जांच कर दे। जब अमित शाह NRC CA कर सकते हैं 130 करोड़ लोगों का, तो क्या इस देश में 130 करोड़ लोगों की संपत्ति की जांच नहीं हो सकती है? किसके पास कितने फ्लैट हैं, कितनी जमीनें हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कितना ब्लैक मनी है? एकदम आसान है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये। आप कल्पना कीजिए इस देश में कौन लोग हैं, वो चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो जजेज हों, चाहे वो IAS IPS हो, चाहे वो नेता हों, चाहे वो अभिनेता हों, कौन लोग हैं जिनका सिस्टम पर कब्जा है, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी पर? सोचिए, जब एक विकास यादव, तो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, और मुझे ये मत कमेंट में लिखिएगा कि अखिलेश यादव, मायावती या लालू यादव, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इस देश में पता चलना चाहिए कि किसने मनरेगा से मजदूरी करके पैसे बनाए और किसने ब्लैक धंधा करके, गलत धंधा करके। आप सोचिए कि अगर आप कानून मानेंगे और आप अगर 10 लाख रुपए कमाएंगे तो आप 3 लाख रुपए टैक्स देते हैं। पैसा कमाने के खिलाफ नहीं हूं मैं, सम्मानजनक जिंदगी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सोचिए कि इस देश में कौन नियम कानून की धज्जियां उड़ाता है, कौन इस देश में तमाम नियम कानून को ठेंगा दिखाता है, इसकी जांच होनी चाहिए। विकास यादव के ही बहाने योगी जी में अगर दम है तो वो अपने यूपी में ही सबकी इस तरह की जांच करके दिखा दें। प्रधानमंत्री, अभी सोनिया गांधी, राजीव गांधी के ट्रस्ट पर जांच हुआ है, अच्छी बात है। सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो शाहरुख, आमिर खान और सलमान खान की संपत्ति की जांच करें, बड़ी अच्छी बात है। तमाम लोग की संपत्ति की जांच हो, तमाम ट्रस्टों की जांच हो और पता तो चले कि कौन कितने दुबे पड़े हुए हैं इस देश में।
सही बता रहा हूं मैं आपको, इस देश में जितने लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं, अनैतिकता की प्रकाष्ठा है, एक वीडियो अभी आप देखिएगा जो जय वाजपेयी जो अभी जेल में है, जो खास खजांची कहते हैं उसको, जो विकास दुबे का खजांची था, उसके कैसे कैसे लोग के साथ तस्वीरें सामने आ रही है। तो पूरे सिस्टम में जिस तरह से कुंडली मार के बैठा हुआ, क्या इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जांच करवाएंगे संपत्ति की, वो वक्त आ गया है? क्या इस देश के तमाम लोगों की संपत्ति की जांच होगी? कौन कौन विकास दुबे बना बैठा है? मुझे लगता है कि इस देश के हर पंचायत में, हर थाने में, हर जिले में, हर शहर में, हर कस्बे में एक विकास दुबे बैठा है जिसने इस देश के करोड़ों लोगों का अधिकार छीन लिया है, जिसकी वजह से इस देश के अरबों लोग, करोड़ों लोग लाचारी, बेबस, बिना इलाज के मर रहे हैं, बिना स्कूल के उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि यहां कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने, और उसी को मैं जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी कहता हूं, जिन्होंने अपनी बेईमानी से अकूत संपत्ति खड़ी कर रखी है। जब एक विकास दुबे जैसा गुंडा, आतंकी, जब 500 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो सोचिए जो इस देश के सिस्टम में रहते हैं, जो दिन भर चापलूसी करते हैं, वो क्या करते होंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, नदी ऊपर से बहती है, नीचे से नहीं। जिस दिन इस देश में मंत्रियों की जांच हो गई, जिस दिन इस देश में आईएएस ब्यूरोक्रेट की जांच हो गई, क्या मजाल है किसी दरोगा, पुलिस इंस्पेक्टर और थानेदार, हवलदार संपत्ति बना लेगा, बेईमानी कर लेगा? कुछ नहीं करना है, बस एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसपी, बस चार लोग की जांच करके दिखा दीजिए आप। जजेज, पत्रकार, जितने बड़े पत्रकार हों, जितने जजेज हों, जितने बड़े मीडिया हाउसेस हो, तमाम बिजनेसमैन हो, यहां सब हमाम में नंगे हैं। विकास दुबे तो एक एग्जाम्पल है, आप कल्पना कीजिए कि इस देश में किस तरह की व्यवस्था है। अच्छा कहने सुब्रमण्यम स्वामी, आमिर खान, सलमान खान की जांच होनी चाहिए, लेकिन इस देश के हर शख्स की संपत्ति की जांच हो। और ये आसान है, जब आधार कार्ड बन सकता है, जब सबका रिकॉर्ड रखा ही जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में ही है, तो ये भी काम हो ही जाए। ये कौन सा रॉकेट साइंस है? लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होगा। यहां एक दो लोग, अब विकास दुबे का मामला चल रहा है, चुपचाप सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे नकाबपोश, सारे सफेदपोश और सारे अफसरशाही, बाबूशाही के लोग इसी तरह हमाम में नंगे हैं। सबके पास कहीं कोई फार्म हाउस है, कहीं दर्जनों फ्लैट है, और इसकी वजह यह है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है इस देश के गरीब लोगों को, जिनके बच्चों के लिए स्कूल नहीं बन पाता है। सोचिए, विकास दुबे ने दो स्कूल कॉलेज खोल रखे थे, तो ये आप कल्पना कीजिए कि ऐसे लोग क्या क्या बिजनेस में पैसे नहीं लगाते हैं। इस देश में प्राइवेटाइजेशन जितनी तेजी से बढ़ा है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, ये सब माफियाओं के पैसे लगे हैं। पहले सुनते थे कि दाऊद इब्राहिम का पैसा फिल्म इंडस्ट्री में लगता है, अब तो हर प्राइवेट इंडस्ट्री में माफिया का पैसा लगा होता है। आपने कभी सुना है किसी बैंक करप्ट में SC ST OBC माइनॉरिटी का नाम हो, किसी गरीब आदमी का नाम हो? गरीब तो सोचिए, हमारे आपके जैसे लोग ताउम्र एक घर, एक कमरे का घर नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इन बेईमानों की वजह से संपत्ति की कीमत आसमान पर होती है। ये बेईमान संपत्ति की कीमत बढ़ा के रखते हैं। इस देश में अगर ये हो गया तो वो सबसे बड़ा बदलाव होगा, और जो भी ये काम कर दे, उसका इस देश का 85-90% लोग जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, वो शुक्रिया अदा करेंगे और उनको जीवन भर प्रधानमंत्री, CM PM बना देंगे। करने की हिम्मत तो दिखाए। हर गली मोहल्ले में 1000 करोड़, 500 करोड़ के विकास दुबे बैठा हुआ है, 200-200 करोड़ के, 400-400 करोड़ के, 500-500 करोड़ के, और वो भी गलत तरीके से। जांच हो जाए, सबके खातों की जांच हो जाए, सबकी संपत्ति की जांच हो जाए, सब टैक्स जमा कर दें, सही में भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। बेईमानी तो है, काला धन कुछ ऐसा है नहीं देश विदेश में, इसी देश में लोगों ने अपना अपना सब गोटी फिट कर रखा है, और उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इस देश के नेता, ब्यूरोक्रेट्स, कलेक्टर, SP, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, वाइस चांसलर तक के ऐसे लोग हैं। सबकी जांच होनी चाहिए, एक अदना से ले मेरा भी, मेरी भी जांच हो, सबके खाते जांच किए जाएं, सबके पेपर जांच किए जाएं, और जो भी अवैध संपत्ति जहां मिलता है, कोई भी संपत्ति है, तो उस इलाके की संपत्ति जांच हो कि भैया किसका है, वो आए सामने, किसके कहां पैसे लगे हैं। सोचिए, एक विकास दुबे के पास जब 500 करोड़ की संपत्ति हो सकता है, जब वो महीने में 50 लाख की वसूली कर सकता है, जिसके UAE में और थाईलैंड में पेंटागन हाउस हो सकते हैं, जिसके 50 करोड़ की कोठी हो सकती है, आखिर वो खरीद तो रहा था ना, लोग उसे पूछते तो होंगे कि कहां से पैसे आ रहे हैं। तो
क्या कीजिएगा, यहाँ सब हमाम में नंगे और हर गली मोहल्ले में आपको विकास दुबे मिलेंगे। बस यहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल होती है कि मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, यही लोग जो है ये चोर हैं और बाकी लोग मनरेगा में मजदूरी करके अमीर बने हैं। और कोई सरकार इस तरह की हिम्मत नहीं दिखाएगी, कोई जांच नहीं करेगी। ये तमाम एंकरों की जांच हो जाए, आपको पता चल जाएगा किसके पास कितने फार्म हाउसेस हैं, कितने लोग के मॉल में पैसे लगे हुए हैं। आप पैसे कमाइए, ईमानदारी से तो कमाइए, पेपर तो क्लियर कीजिए, टैक्स तो भरिए। तो ये एक विकास दुबे की बात नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप तमाम लोग के कौन लोग हैं जो मीडिया में है, जुडिशियरी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, कौन लोग हैं जो बिजनेस में है? और इन लोगों की वजह से इस देश के 90% लोग, जनसंख्या की वजह से नहीं, जनसंख्या तो हमारी ताकत है, संसाधन है, मानव संसाधन है, ये सब बेईमानी की वजह से, कुछ लोगों के बड़े पेट होने की वजह से, अनैतिक होने की वजह से, टैक्स न देने की वजह से, चोर होने की वजह से, इस देश में लोग लाचार हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, लोगों को स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, बढ़िया सुविधा नहीं है, और वो जलालत की जिंदगी जीने को मजबूर है। ये ऐसे विकास दुबे इस देश के हर गली मोहल्ले में है, जरूरत है उसकी जांच हो। कोई तो ऐसा नेता, कोई तो ऐसा सीएम पीएम आए जो इस बुराई को खत्म करे। जब आप सीएनआरसी कर सकते हैं तो आप संपत्ति की जांच कर सकते हैं। मोदी जी, आपको तो बाल न बच्चा नींद पर अच्छा, योगी जी आपको तो बाल न बच्चा नींद पर अच्छा, आप तो नहीं बनाएंगे। लोग कहते हैं कि हमारे पास तो बाल बच्चा नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। गब्बर सिंह को भी कोई बाल बच्चा नहीं था, फिर भी डांके डालता। तो मोदी जी सबसे लोकप्रिय हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हमेशा यशस्वी प्रधानमंत्री रहे, सब लोग, हम तो जीवन भर उन्हीं को मोड़ देंगे। बस ये काम कर दीजिए, इस देश में जितने विकास दुबे हैं ना, सबको ढूंढ निकालिए, चाहे वो गुंडा हो, चाहे आर्थिक अपराधी हो, चाहे सामाजिक अपराधी हो, जिस तरह का भी अपराधी हो, निकालिए तो। और तब आपको पता चल जाएगा कि इस देश में असली जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी कौन लोग हैं, आप लोग की क्या प्रक्रिया है, हर गली मोहल्ले में विकास दुबे है कि नहीं, और उससे कैसे निपटा जा सकता है। क्या हम जनता के तौर पे आवाज वोकल कर सकते हैं, बेईमानों के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, गुंडों के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं, या सिर्फ जाति के आधार पर दंगा करते रहेंगे, मजहब के आधार पर लोगों को परेशान करते रहेंगे? ये समझने की बात है, सोचने की बात है। और हमें लगता है इस देश में एक कैंपेन चलना चाहिए, और अगर ये कैंपेन चला तो इस देश से गरीबी भी दूर होगी, लाचारी भी दूर होगी, सबके लिए सरकारी स्कूल, सबके लिए सरकारी अस्पताल, सबके लिए अच्छा ट्रांसपोर्ट, सबका जीवन बेहतर होगा। गरीबी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस देश के हर गली मोहल्ले से विकास दुबे जैसे लोगों को उसकी असली जगह जेल पहुंचाई जाए, सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। और जो प्रधानमंत्री, सीएम, डीएमएसपी ये काम करेगा, वो सचमुच सम्मान के काबिल होगा, जैसे हमारे पूर्वजों ने किया है, चाहे वो जगदेव बाबू हो, चाहे बाबा साहब हो, कभी एक रुपए का आरोप नहीं लगा। जगदेव बाबू हो, फूले हो, पेरियार हो, अम्बेडकर हो, मान्यवर कांशीराम साहब हो, अब तक कहते रहे हैं लोग सजा नहीं हुई है। और मैं फिर कह रहा हूं, लालू यादव का नाम मत लीजिएगा, सबका जांच करवाइए। लालू यादव जैसे तो 10-10 गुना ज्यादा ऐसा दुबे पड़ा हुआ है, तो जाति पर मत जाइएगा। बताइए ईमानदारी से, कोई है तैयार इस तरह की जांच के लिए? अगर लालू यादव चोर होता तो आज उसका पूरा परिवार जेल में होता, लालू यादव को पॉलिटिकल प्रिजनर बना के रखा गया। इस देश के गली गली में दुबे जैसे भ्रष्टाचारी, आतंकी, बेईमान और गुंडे बैठे हुए हैं, जो जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर झर बोते हैं और फसल काटते हैं। अब डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोग के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए, अपनी आवाज बनाइए। आज तो हर कोई पत्रकार है, सोशल मीडिया है, ऐसे लोग के बारे में आपको अगर जानकारी है कि कोई किसी के पास अकूत संपत्ति है, किसी के पास बेईमानी की संपत्ति है, कोई गुंडाई कर रहा है, उसका वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर वीडियो डालिए और ऐसे लोग को एक्सपोज कीजिए। इस देश के हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और तभी ऐसे गुंडों से निपटा जा सकता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।